हेलो दोस्तों, आप लोग का यशडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ क्लास टेंथ का साइंस टू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोग अगर देख ले तो पूरा, तो अगर जिसका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी एक चैप्टर भी नहीं हुआ, अगर जितना बता रहा हूँ उतना अगर करके गए 100% बोलता हूँ, उसका आउट ऑफ आ सकता है, प्लस यहाँ 35 भी आ सकता है, 35+। अब किस तरीके से इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर 21 सब कुछ एनालिसिस करने का, तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पे साइंस वन का ऑलरेडी बना हुआ है, कल के डेट में आप लोग को वीडियो मिला रहेगा 8 बजे शाम को। अब यहाँ पर आज मैं आप लोग को साइंस टू का देने वाला हूँ पूरा। अगर वीडियो लास्ट तक देख ले तो 100% मैं गारंटी ले तो आप लोग का पूरा यहाँ पर आउट ऑफ आ सकता है आप लोग को साइंस टू में। अब सीधा आप लोग को चलता हूँ पॉइंट पे, एक एक चैप्टर का बताता हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक ले लेना और पूरा इजिली आप लोग लगा लेना, ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट में लगा लगा के आप लोग को टिक आउट दूंगा कौन कौन सा आप लोग को क्वेश्चन चैप्टर से करना है। प्लस अगर समझ लो कि एक्सरसाइज से बस करके जाऊं तो आप लोग नंबर मिल जाए, तो आप लोग को नंबर नहीं मिल सकता पूरा आउट ऑफ, तो इसके लिए पूरा बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। और आप लोग को अब यहाँ पर आपके पास समय नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि अभी बहुत समय है मैं पढ़ लूंगा अभी जाने दो, तो कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, इसके लिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर्स के हम लोग नाम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर है, फिर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2, अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूवर्ड ग्रीन एनर्जी एनिमल्स क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन एंड द माइक्रोबायोलॉजी दिया गया, सेल बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर अच्छी तरीके से किया जाए, प्लस आप लोग को कौन सा इंपॉर्टेंस इसके अंदर से वो चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लेना, क्योंकि आप लोग अगर इसको ये चैप्टर को हल्के में ले रहे हो इस वीडियो का, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत खराब भी आ सकता है नंबर। प्लस अगर जैसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर वो देख लेता तो 110% गारंटी लेता हूँ, जो टॉपर है वो भी देख लेता, उनका जो भी अंदर से रहेगा कि ये नहीं आ पा रहा तो वो भी आ जाएगा, 100% उनका रिजल्ट आने वाला है अगर साइंस वन साइंस टू का दोनों वीडियो देख ले तो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस वन का दे दूंगा लिंक, उसको जाके देखो, और प्लस ये साइंस टू का अच्छी तरीके से अपने टेक्स्ट बुक में इसको टिक आउट करके अच्छे तरीके से कर लेना। अब यहाँ पर दिया गया हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर, इसमें से क्या किया जाए, सबसे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट नोट के तरीके से, यहाँ पर शॉर्ट नोट नहीं, आप लोगों को सिंपल सा फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वाला आप लोग को मॉडर्न जेनेटिक का याद रखना, ये नाम योहानस जॉर्ज, इसको याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को करना क्या रहेगा, यहाँ पे 3 डिफिनेशन दिया गया, देखो जो जो बता रहा हूँ बस उतना करके जाओ, और कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके जाओ, क्योंकि आप लोग का प्रीलियम एग्जाम आप लोग खुद जाके देखना सर इसी के अंदर से आया था कि नहीं, एक कमेंट आकर जरूर करना सर आया था इसके अंदर से, 100% गारंटी लेता हूँ इसी के अंदर से आप लोग का पेपर में बनने वाला है इसी के अंदर से। अब बोलोगे इतना कैसे कॉन्फिडेंस सर बोल रहे हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर सब कुछ एनालिसिस करने का, तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो इसके लिए अच्छी तरीके से इसको टिक आउट कर लो। अब यहाँ पर और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है ध्यान से देखना, ये तीनों डिफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिपलेट कोडान करके दिया, देखो जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा मैं रेड ले लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इससे हाईलाइट नहीं हो रहा, तो ट्रिपलेट कोडान अच्छी तरीके से करना है। द कोड ऑफ ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज द कॉल्ड ट्रिपलेट कोडान, ये चीज याद करके रख लेना। उसके बाद डॉक्टर हर गोविंद खुराना, ये नाम याद रखना, इनको ये 20 अमीनो एसिड का रिसर्च किए थे, प्लस इनको नोबल प्राइज मिला था 1968 में, और 2 साइंटिस्ट के थ्रू, मतलब 2 ए भी थे और प्लस 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था, ये चीज याद करके रख लेना। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, और क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर सबसे नीचे देखो आप लोग को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जिसका कुछ नहीं हुआ वो चीज़ अंदर से करके, प्लस मेरा जो वीडियो देख रहा हूँ उसका 100% आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पर म्यूटेशन का देखो डिफिनेशन है, देखो म्यूटेशन एनी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर दिया है, ऑफ द जीन चेंज द पोजीशन द केस ऑफ द माइनर चेंज विच इज द नथिंग बट द म्यूटेशन, ये हो गया डिफिनेशन म्यूटेशन का। इसके जेनेटिक डिसऑर्डर है म्यूटेशन के, यहाँ पर सिकल सेल एनेमिया करके दिया गया, इसको याद करके रख लेना, बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना। तो ये भी चैप्टर, ये भी पेजेस हो गया दूसरे पर। अब यहाँ पर इवोल्यूशन,
इवोल्यूशन का सिंपल तरीका यही एक लाइन याद करके रख लेना, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। देख लो बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको 100% करके रख लेना, क्योंकि आप लोग देखे रहोगे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में उसके अंदर से जो बताया तो उसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिला था। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, इविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। अब इविडेंसेस इवोल्यूशन के क्या करना है, आप लोग को नाम प्लस एग्जाम्पल, नाम प्लस एग्जाम्पल, इविडेंसेस के पूरे नाम प्लस उनके सारे एग्जाम्पल याद करके रखना पड़ेगा आप लोग को। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखो नाम, नेम और एग्जाम्पल, ये सबका इविडेंसेस के नाम और सबका एग्जाम्पल बस आप लोग याद करके रख लेना, हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आता है वेस्टिजल ऑर्गन, इसका क्या होता है, वेरी वेरी आईएमपी है, ये समझ के रखना है। ये क्या चीज़, शॉर्ट नोट आता है, क्या चीज़, शॉर्ट नोट याद करके रख लेना वेस्टिजल ऑर्गन का। उसके बाद इसके भी एग्जाम्पल, अब ये सब का हो गया, आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखो ये फोजिल करके डिफिनेशन दिया, देखो आप लोग को इतना चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो यहाँ यहाँ से याद करना, यहाँ तक फोजिल का डिफिनेशन हो गया, याद कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोग को, फिर बाद में मत बोलना कि सर कहाँ से पेपर आया, इसमें से मैं जो पढ़ के गया उसमें से नहीं आया। तो मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसके लिए ध्यान से सुनते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो यहाँ पर भी हो गया, उसके बाद और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन डेटिंग मेथड दिया, देखो कार्बन डेटिंग मेथड यहाँ तक है, यहाँ तक इसको एक बार बस पढ़ के रख लो, आप लोग का काम हो जाएगा, और बाकी यहाँ से ये सब कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से एक और आता है कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट, देखो कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करना रहेगा आप लोग को, पहले से बता के रख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे देखो दिया गया सम प्लांट एंड एनिमल सम द अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी दिस रिलेटेड टू द डिफरेंट ग्रुप हेंस द कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटर्स, यहाँ पर सब कुछ दिया गया, उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ याद कर लेना, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। अब यहाँ पर आता है डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन उसके ऑब्जेक्शंस, ये देखो डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन और उनके बुक का टाइटल ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज और प्लस और आओगे नीचे तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्शन इनके दिए गए, ये तीनों ऑब्जेक्शंस याद करके आपको रखना ही है क्योंकि ये पेपर में 100% इसके अंदर से आएगा। अब आता है लमार्किज्म, लमार्किज्म का क्या करना रहेगा आप लोगों को, शॉर्ट नोट, बाय द वे अगर शॉर्ट नोट याद कर ले तो अच्छी बात है, क्या याद करना रहेगा शॉर्ट नोट, देखो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आप लोग को, एक भी पॉइंट गलत ना हो इसके लिए आप लोगों को शॉर्ट नोट और प्लस यहाँ पर एक हिंस कॉन्सेप्ट, इनके एक प्रिंसिपल था कौन से, यूज आर द डिसयूज ऑर्गन, ये चीज़ आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतना शेयर करना कि सबको इसका बेनिफिट मिले। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसका, देखो स्पेशल इसको आप लोग को याद करना रहेगा, इसमें भी शॉर्ट नोट, क्या चीज़, शॉर्ट नोट बस। अब उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाना है, यहाँ से सब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर पहला लेसन आप लोग कंप्लीट। अब यहाँ से क्वेश्चन पहला आप लोग को अच्छे तरीके से करके रखना है, जो एक्टिविटी, अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, सबसे पहले आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, इतना चीज़ आप लोग को 21 से अच्छे तरीके से करना है, प्लस एक्सरसाइज से जो दिया गया उसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग को करना है, क्वेश्चन नंबर चौथे में देखो लमार्किज्म दे दिया, नेचुरल सिलेक्शन, एम्ब्रोलॉजी, इवोल्यूशन, कनेक्टिंग सब दे दिया, हेरिडिटी का डिफिनेशन आप लोग को यहाँ पे देखो, हेरिडिटी का अच्छी तरीके से क्या करना है, यही चैप्टर ही, तो इसका डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो वेस्टिजल ऑर्गन ऑलरेडी मैं दिया, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर देखो इसमें से कौन कौन सा किया जाए, देखो पहला करके रखो अच्छी तरीके से, उसके बाद यहाँ दूसरा करो, उसके बाद यहाँ पर देखो एक आप लोग को यहाँ से डी वाला फोजिल वाला जस्ट अभी बताया आप लोग को, उसके बाद आप लोग को एक सूटेबल कलिविडेंसेस आप लोग इसमें से तीस ए बी सी और एक ए, इतना अच्छे तरीके से करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन से रिपीटेड है, तो इतना करके रख लो। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए वो चीज़ में आप लोग को दूसरे लेसन से। अब लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन है, अब इससे पार्ट टू भी आएगा लाइफ, अब इसमें देखो क्या क्या करना चाहिए आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए उसको याद से अच्छी तरीके से कर लेना। देखो 4 किलो कैलोरी यहाँ पर ग्राम पर हाई
यहाँ कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है, प्लस यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया गया। ये नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि किसके अंदर कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितना पाया जाता है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक दिया गया क्वेश्चन, देखो इधर से तो आप लोग कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आगे आ जाते यहाँ पर। ए डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको करके जाना है, प्लस यहाँ पर एक दिया NADH2 और FADH2, कितना मॉलिकुलर्स उसके अंदर होते हैं, NADH2 के अंदर 3 और FADH2 के अंदर कितना मॉलिकुलर्स रहते हैं, 2। अब इसको बोला जाता है ETCR, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर विद चैन रिएक्शन। ये डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना और वो भी। अब उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए, ध्यान से सुना, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना, बहुत इजी है। लिपिड्स का देखो, अब अगर पूछा जाए लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब लिपिड्स का क्या होता है, फैटी एसिड में होता है, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोसिस और पायरुविक एसिड, और इसका क्या होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड, तीनों मिलके पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम्स बनता है, और क्रब साइकिल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी और प्लस यहाँ एनर्जी, इस तरीके से दिया गया है, इजिली आप लोग याद कर सकते हो दोनों। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग क्या याद करना है, देखना ध्यान से, एक एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पर आप लोग को एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट दिया गया है, इसमें से आप लोग को देखो यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया, प्रोटीन के अंदर कितना पाया जाता है, देखो इतना चीज़ आप लोग को कौन बताएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके लिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब बनाने में। कल का साइंस 1 का जो वीडियो बना हुआ, 1 घंटा 57 मिनट का वीडियो बना, तो ये भी आज देखते कितना मिनट का बनता है, क्योंकि एक एक पॉइंट मुझे कवर करना है कि आप लोग का अच्छे से अच्छा नंबर आए। अब यहाँ पर ए वाला जो डायग्राम है, आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स या तो कोरिलेशन में पूछा जा सकता है, इसके लिए ए कभी भी छोड़ के मत जाना, ये याद कर लेना। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक लिपिड्स का देखो, यहाँ पर आप लोग को बुक में कहीं नहीं मिलेगा लिपिड्स का ये डिफिनेशन है, आप लोग को इसको अच्छी तरीके से करके रखना, लिपिड्स का डिफिनेशन। और यहाँ पर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम किसमें मिलता है, लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, ये चीज़ आप लोग का यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो दो चीज़ दिया है, एक विटामिन देखो ADE और K, ये फैट सोल्यूबल है, BC जो हमारा है ये वाटर सोल्यूबल है, याद करके रखना ये वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते क्या करना रहेगा, देखो सेल डिवीजन, ये चीज़ आप लोग को वहाँ से एक्सरसाइज से मैं बता देता हूँ, उसी में से आप लोग को करना रहेगा। अब यहाँ पर एक दिया माइटोसिस और मियोसिस, याद रखना सबका नाम सबका एग्जाम्पल, माइटोसिस का जो भी नाम है सबका एग्जाम्पल, प्लस यहाँ पर देखोगे आप लोग एक दिया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियर, ये याद कर लो प्रोफेस का। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं मेटाफेस का, इसमें भी देखो एकदम सबसे पहले दिया गया लाइन, ऐसा पॉइंट आप लोग को बस लाइन सबका टाइस सबका एग्जाम है। और माइटोसिस मियोसिस का दोनों का क्या करो, सिंपल तरीका डिफरेंट बिटवीन याद करके रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंट बिटवीन याद करके रख लो, आप लोग का बात खत्म हो जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस कितना पॉइंट, 4 पॉइंट याद करना, 4 पॉइंट भैया बोले हैं तो बोले हैं, 4 पॉइंट ही याद करना रहेगा आप लोग को, समझ के रखना। अब यहाँ पर देखो मैं बोल रहा हूँ तो उतना आप लोग करके गए, तो 100% क्रोमोसोम्स का इसको भरने आना चाहिए आप लोग को, थोड़ा सा आप लोग क्या करना, जितना बता रहा हूँ उतना करके ही रख लेना, बाद में ये मत बोलना कि भैया या सर ये गलत हो गया, क्यों, अगर आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छा नंबर आना चाहिए। आप लोग को इतना करना है कि भैया दिए हैं तो उसको करके हटा दो, एक्सरसाइज से फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑडमेंट, ये सब तो करना ही। अब देखो यहाँ डिफाइन करने के लिए दिया, डिफाइन में आप लोग को प्रोटीन करो, न्यूट्रिशन करो, एरोबिक करो, ग्लाइकोसिस करो, सेलुलर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब इसमें देखो डिस्टेंस बिटवीन 3 दिया गया, तीनों एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, क्योंकि IMP का मैं पूरा गारंटी लेता हूँ कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग को या तो एरोबिक, एनारोबिक, या तो माइटोसिस, मियोसिस, ग्लाइकोसिस, TCA कोई भी आ सकता है, इसके लिए आप लोग इसको याद करके रख लेना। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक गिव द रीज़न, देखो गिव द रीज़न, इसके अंदर से भी आप लोग को देखो 1 2 3 4 क्रैब साइकिल और ए वाला देखो, ए
ए वाला इसका भी जो रीज़न एक भी छोड़ के नहीं जाना, जिसे साइंस वन का, साइंस वन का दूसरे लेसन, चौथे लेसन और छठवें लेसन का बहुत ही ज़्यादा, और एक मेटलर्जी का दिया गया वहाँ पे एक सोडियम किप्ट ऑलवेज से कोरिशन के अंदर रखा जाता वो चीज़ बहुत ज़्यादा, ये चार चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंटिफिक रीजन का, इसी के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का साइंस वन का दूसरे लेसन से मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके लिए वो, और एक चौथे लेसन से आएगा उसमें टंगस्टन वाला दिया गया है, वो सब में से आप लोग को आ सकता है तो उसको कर लेना। प्लस यहाँ से आप लोग को इसको पूरा करना रहेगा, उसके बाद यहाँ एक सबसे पहला वाला करके रखो ए वाला, एक्सप्लेन द ग्लाइकोसिस इन डिटेल। उसके बाद आप लोग को अब यहाँ से देखो सब कुछ हो गया आप लोग को, एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल अभी जस्ट मैं अंदर बताया आप लोग को TCR, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ये देखो यहाँ पर गलत दिया गया है, ये चीज़ ऊपर नीचे दिया गया, आप लोग इसको इजीली सही तरीका बना के रखना करेक्ट करके। देखो यहाँ दिया भी गया है करेक्ट द डायग्राम गिवन द बिलो, पहले करेक्ट करो फिर डायग्राम को भरो। अब यहाँ जाता है तीसरा लेसन, लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन दिया गया है, इजीली आप लोग को समझना पड़ेगा क्या चीज़ है। थोड़ा सा देखो लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू दिया गया, इसमें से क्या किया जाए तो ध्यान से देखना, फटाफट मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग को यहाँ पे दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद करके रख लेना इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर का पूरा आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, और यहाँ पर मल्टीसेलुलर के भी करना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर का सबका क्या करना है एग्जाम्पल और सबका नाम। देखो बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप लोग को बडिंग आ जाएगा, बडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लस यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा। एक एक बार बडिंग देखो यहाँ पर भी आया, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा, प्लस इनके एग्जाम्पल याद करके रखना रहेगा। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल तरीका देखो, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का अच्छे तरीके से मैं तो यही बोलूँगा कि दोनों का डिफरेंट बिटवीन, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग को क्या करना है, दोनों का सेक्सुअल और एक असेक्सुअल, ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा, याद करना असेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना रहेगा। अब यहाँ पर आ जाता है देखो आप लोग को एक दिया गया है आप लोग को सिंपल तरीका, टू जर्म्स सेल याद कर लेना आप लोग को, इनके भी टाइप्स, प्लस यहाँ पर एक आता है आप लोग को एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो ये प्लांट वाला बहुत ही फूल वाला फ्लावर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको करके रखना। उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पर देखो आप लोग को पूरा दिया गया है, अब यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा पेडिकल्स दिया गया है, ये सब बाकी ये पूछा नहीं जाता। यहाँ पर एक पॉलिनेशन का डिफिनेशन है, देखो ए वाला सोचो पॉलिनेशन का डिफिनेशन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। उसके बाद आप लोग को यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन का एक साइंटिफिक रीज़न आता है, उसको अच्छे तरीके से करके रखना। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर क्या किया जाए तो आप लोग को सिंपल सा देखो एक ही वर्ड बोलूँगा कि आप लोग डायग्राम करके अच्छी तरीके से रखो, प्लस डायग्राम के थ्रू आप लोग इनका दोनों का डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ फीमेल दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करके रख लो, प्लस इनके कोई भी चार दो तीन पार्ट्स के फंक्शन याद करके रख लो जो आपका मन करता है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फीमेल का दिया गया है, फीमेल का भी डायग्राम सो इजी है आप लोग बना सकते हो, और बनाने के बाद सिंपल तरीके से चार ही नाम है तीन का क्या करो एकदम सिंपल तरीके इसका फंक्शन याद कर लेना बस। अब उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए, यहाँ फर्टिलाइजेशन दिया गया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये चीज़ यहाँ पर इसको करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल,
इससे आप लोग सिंपल तरीका क्या करो, मैं तो ये बोलूँगा सबका इसका डिफिनेशन याद करके रख लो, बस डिफिनेशन याद करके रखो, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ डिफिनेशन याद करके अच्छी तरीके से रख लो और इनके नाम थोड़े से पढ़ोगे तो अच्छी बात है, बाकी डिफिनेशन याद करके रख लो। अब यहाँ पर आता है ए शब्द, देखो शॉर्ट नोट IVF सर्वगेसी स्पैम बैंक इसके नीचे है, ये देखो सर्वगेसी स्पैम बैंक। और ये सब का आप लोगों को सिंपल तरीका क्या करना रहेगा, याद करके रख लेना रहेगा। देखो यहाँ पर याद करना रहेगा इसका शॉर्ट नोट। अब आता है ट्विंस, ट्विंस की दो टाइप, एक भैया यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर मोनोजाइगोटिक और एक डाइजाइगोटिक, ये दोनों ट्विंस के टाइप्स हैं, याद कर लेना यहाँ पर। देखो बाद में मत बोलना कि भैया बताए नहीं थे, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से कर लेना। और इसके बाद आप लोग को एक एक क्वेश्चन, इसीलिए मैं एक एक चीज़ देख देख के आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से इसको टिक आउट कर लो। अब देखो यहाँ पर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इस तरीके से ढंग से अगर आप लोग कर लेते हो तो पूरा पूरा इसलिए आप लोग कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट दिया गया, इसमें भी आप लोग का 5 पॉइंट। अगर इससे सिंपल तरीका, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला और सेक्सुअल, तो सबसे पहले आप लोग को सिंपल तरीका आना चाहिए कि दोनों का डिफिनेशन, तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर वो इसे सिंपल तरीका इसे ना बना के पूछे, डायरेक्ट पूछे दोनों का डिफरेंट बिटवीन, तो भी इजिली कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना 100%। फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना है, यहाँ पर से करना है। अब क्वेश्चन में जो 4 है, देखो इसमें से सिर्फ क्या करना था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट में। इसमें दोनों तीनों आप लोग को बता दिया, एक्सप्लेन द IVF और विच आर दिस प्रीक्वेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रीक्वेशन वाला क्वेश्चन, अच्छी तरीके से करके रखना ए। और यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, ये सब अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो। बाकी इसमें से देखो ए वाला वेरी वेरी सी वाला इंपॉर्टेंस है, बाकी आप लोग को अंदर से उस समय बता दिया हूँ। और यहाँ से 11वां वाला क्वेश्चन, 9वां वाला क्वेश्चन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये वाला डायग्राम के थ्रू एक बार क्वेश्चन देखना, कैसे डायग्राम के थ्रू एक बार क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है क्वेश्चन 7वां। और इसमें से कौन सा डायग्राम बनाया जाए, देखो ABC तीनों आप लोग को डायग्राम आना चाहिए। बस हो गया, आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पर तीसरा लेसन। अब आता है चौथे लेसन, चौथे लेसन में से क्या किया जाए, देखो चौथे लेसन में से आप लोगों को सबसे पहले जो जो बता रहा हूँ उसको फटाफट करते चले जाना। ये वाला देखो इकोसिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस अगर बात करूँ, इसमें से सबसे ज़्यादा चार्ट पूछा जाता है, क्या एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन। तो इकोसिस्टम के दो टाइप्स, अबायोटिक बायोटिक और फिजिकल, यहाँ केमिकल, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। सिंपल तरीका आप लोग इसलिए बना के इसमें से एक बार पढ़ोगे तो अगर इसे अगर इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम पे शॉर्ट नोट आता है, तो इसलिए अगर ये चीज़ किए हो तो ट्री डायग्राम को जैसा तुम पैराग्राफ फॉर्मेट में बना सकते हो इसलिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से एक भी पॉइंट मिस मत करना, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। देखा यहाँ इन्वायरमेंट दिया गया है, ये चीज़ याद करके रखना, इन्वायरमेंट का डिफिनेशन। अब उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक दिया गया है, आप लोग को इतना खोज के आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो इतना करना कि इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखो यहाँ पे दिया गया इकोसिस्टम इकोलॉजी, यहाँ से बस आप लोग को यहाँ से करना है अच्छे तरीके से, ये हो जाएगा इकोलॉजी का, यहाँ से यहाँ इकोसिस्टम का हो गया, ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो ह्यूमन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दिया गया, तो आप लोग कुछ भी नहीं ए याद करके रखो, इफेक्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इसको करके रख लो। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, जो बता रहा हूँ बस उतना करके रख लो बस। अब देखो इसको अगर आपको थोड़ा सा समय है तो इसमें से आप लोग को सबका याद करो, क्या सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आता है देखो रेडियो पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इसमें से 3 पॉइंट दिया गया है, चारों याद कर लो। उसके बाद आप लोग को जितना बता रहा नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का आप लोग को सिंपल तरीका ये डायग्राम याद करना रहेगा। देखो इतना चीज़ आप लोग को बहुत समय लगा दोस्त, देख लो सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को रात 8 बजे ये वीडियो मिलेगा,
बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, कल का भी वीडियो साइंस वन का बहुत समय लगा था मेरे प्यारे दोस्त बनाने में। अब यहाँ पर आता है देखो क्या चीज़ करना रहेगा आप लोग को, वो चीज़ बता। तो देखो इसमें ये एक्ट कब बना, कब बना, बस उसको याद करके रख लेना कब कब बना एक्ट। उसके जादव मलाई का आप लोगों का शॉर्ट नोट बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और द बायोडाइवर्सिटी का दोनों तीनों टाइस, जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम, तीनों टाइस अच्छी तरीके से याद करके रखना। एक स्क्रेड ग्रोवेस का शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और यहाँ पर दिया गया है बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी विद कन्वर्सेड, सिंपल तरीका अगर इसको कर ले तो ये सब का क्या कहाँ पर सिंबल यूज़ होता है उसको जान लो, और ये अच्छी तरीके से करके रखना। इसमें से कोई भी 4 से 5 पॉइंट याद करके रखो। अब यहाँ पर दिया गया एक है माय रोल इन्वायरमेंट, कैसे अवेयरनेस, एजुकेशन, कंट्रोल, प्रिवेंशन, कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वो चीज़ आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को याद करके रखना। अब उसके बाद आप लोग को क्या आना चाहिए वो चीज़ बता। तो देखो यहाँ क्लासिफिकेशन है तो थेंथ्रेड स्पीसीज दिया गया, इनके तो सबके टाइप्स याद करना। और एग्जांपल मैं पहले से बता के रख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आया आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, नाम और एग्जांपल। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर पहला करना है और क्वेश्चन नंबर तीसरा चारों पाँचों करना है, बायोडाइवर्सिटी, स्क्रेड और डिजास्टर मैनेजमेंट, चिपको मोमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, चारों पाँचों अंदर से बताया हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को दिया छठवां भी आप लोग इजीली कर सकते हो, ऑन वर्ड में भी बना के लिख सकते हो। तो छठवां भी ए बी सी करना है और क्वेश्चन नंबर सातवां भी करना है। क्वेश्चन नंबर छठवें का ही यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कैन दिस कन्वर्सेड, ए भी हो गया, जादव मलाई वाला भी हो गया, राइट द नेम ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट अभी जस्ट बताएं। इसमें से अगर ये लास्ट वाला नहीं करते यह वाला चलता, बट यहाँ पर ए वाला जी वाला यफ नहीं है, ये यफ जी है, तो उतना करके रख लेना 100% आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा बोला फटाफट आप लोग टिक आउट कर लो, पहला, दूसरा, ये पूरा, और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा है, ये है, याद कर लेना। अब उसके बाद पांचवा लेसन देखो ध्यान से सुना, पांचवा लेसन क्या है, पांचवे लेसन में से क्या करना चाहिए आप लोग को ध्यान से देखना फटाफट थोड़ा। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ से बस इलेक्ट्रिक जनरेटर को अच्छी तरीके से याद करके रख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को और आगे क्या करना चाहिए, टर्बाइन का यूजेस, देखो टर्बाइन का यूजेस यहाँ से यहाँ तक है, टर्बाइन का यूजेस किसके लिए किया जाता है वो चीज़, और ये डायग्राम को याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को इसमें सबसे ज़्यादा सब फ्लो चार्ट बता रहा हूँ ध्यान से सुना, ये जो बना ना यही सबका इस चैप्टर से फ्लो चार्ट करके रखो बस, और सबका फ्लो चार्ट बोल रहा हूँ। और यहाँ पर पोल्यूशन प्रॉब्लम जो दिया गया उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और सबका फ्लो चार्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ इस चैप्टर से फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से करके रख लेना। सिर्फ फ्लो चार्ट अगर कर लिए तो भी ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम फ्लो चार्ट अगर कर लिए तो ये चैप्टर क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज में हम लोग आ जाते क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है फ्लो चार्ट ही आप लोग को याद करके जाना है। फ्लो चार्ट ही अगर आप लोग इस चैप्टर से कर लिए तो भी काम खत्म हो जाएगा, तो बस यही बोलूँगा फ्लो चार्ट जितना है उतना करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ विच फ्यूल आर द थर्मल पावर प्लांट आर द वाट आर द प्रॉब्लम आल्सो द क्रिएट एसोसिएट विद दिस टाइप्स ऑफ द पावर जनरेशन, इसको आप लोग को देखो इसमें सब प्रॉब्लम दिया गया, आप लोग अंदर से बोला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर पाँचवा अच्छी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर छठवां में दोनों करना है, छठवां में दोनों IMP है, पहले बता के रख रहा हूँ IMP है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना चाहिए क्वेश्चन नंबर देखो, अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन एनर्जी आ सकता है आप लोगों को पेपर में छोटा सा। अब यहाँ पर एक दिया गया है यहाँ पर फॉलोइंग द सेंटेंस सेविंग एनर्जी और नीड, ये दोनों आप लोग को ये भी क्वेश्चन करके रखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नौवा में आप लोगों को सिंपल तरीका ये चीज़ याद करके रखो, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ दिस सोलर, इसको। और यहाँ पर फ्लो चार्ट ऑलरेडी मैं बताया, फ्लो चार्ट इस चैप्टर से वेरी वेरी IMP है, तो फ्लो चार्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से
करके रखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो इसमें साइंटिफिक रीजन में से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए, यहाँ से ये तीनों ए बी सी अच्छी तरीके से करके रखो। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां 15वां क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर 5वां लेसन क्लियर हो जाता है। छठवें लेसन में से लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये चार्ट अच्छी तरीके से करना है। देखो ध्यान से इस चार्ट को अच्छी तरीके से, अब बोलते चार्ट जाना ना वैसा कर डालना लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म करने के जस्ट बाद आप लोग को क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर दिया गया बेनिफिट ऑफ दिस एनिमल्स क्लासिफिकेशन, इसको आईएमपी करके अच्छी तरीके से याद कर डालना कोई भी 5 पॉइंट। यहाँ कोडेड और नॉन कोडेड आप लोगों को पेपर में डिफरेंट बिटवीन में भी आया था, क्या आया था डिफरेंट बिटवीन कोडेड और नॉन कोडेड, याद करके रख लेना आईएमपी है। और यहाँ पर देखो इनके टाइप्स याद करके रखना, देखो ये वाला अच्छी तरीके से क्या चीज़ है, किंगडम एनिमलिया में क्या आता है, कोडेड और नॉन कोडेड वही चीज़ें, फाइलम क्या है, इधर से उसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा बी वाला एक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बॉडी सिमेट्री का अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। देखो इसमें दो टाइप्स दिए, ये सब आप लोग को डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से आना चाहिए, समझ के रख लेना बी वाला बोला हूँ। और यहाँ पर बॉडी कैविटी, ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखना। और इस चैप्टर से सिर्फ फाइलम सबका याद करके रखो, और जितना मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़। और ये काकरोच का थोड़ा सा ना डायग्राम को देख के जाना, और फाइलम स्टार फिश का आता है, उसके बाद क्या आ जाता है ध्यान से देखते रहना, ये फ्रॉग का आता है, और ये यहाँ पर डॉग बिल दिया गया है फिश, इसको करके रखना। रेप्टाइल दिया गया है, अविज दिया गया है, ये सब मेमेलियस दिया गया है, ये सब आप लोग करके थोड़ा सा रखना। अब इसमें से एक्सरसाइज में से क्या किया जाए, एक्सरसाइज से आप लोग आइडेंटिफाई में ये करके रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो राइट द कैरेक्टर ईच ऑफ दिस फॉलोइंग द एनिमल्स हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन चार्ट, ये वाला अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करके रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दिया गया, देखो डिफरेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइज, और आगे आ जाते तो यहाँ पर आंसर इन द ब्रीफ, आंसर इन द ब्रीफ में आप लोग डिस्टिंग बिटवीन ये चीज़ करना रहेगा। देखो ए वाला अच्छी तरीके से करके रखना, बैट और बटरफ्लाई कट दोनों का डिफरेंट बिटवीन, इसको सी वाला और एक आप लोग को शार्क वाला ए दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है तो रखना है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ क्वेश्चन नंबर 7वां अच्छी तरीके से सब करना है, क्योंकि उसमें से आंसर च्वाइस करके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें से आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, देखो एक जेली फिश वाला अच्छी तरीके से करके रखो, यहाँ पर एक दिया कोडेड ये वाला आप लोग करके रखो, उसके बाद एक बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, इतना 3 दे रहा हूँ, 3 बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3 और यहाँ 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बाद में पेपर दे के आओगे तो मैं आप लोग को बताऊँगा भी कहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रीलियम पेपर दे के आओ उसमें भी मैं दिखाता हूँ कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया था। तो ये भी आप लोग का चैप्टर इस तरीके से ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पर देखो ए वाला करके रखो, ये करके रखो, ये ग्रामा करके रखो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो ए वाला करके रख लेना आप लोग, यहाँ पर आप लोग को स्केच लेबलेट क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांटना है। अब उसके 7वां लेसन इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी दिया गया, अब इसमें से क्या करना चाहिए आप लोग को, सबसे ज़्यादा इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया का नाम दिया गया, उसको थोड़ा सा याद करके रखना आप लोग को हो जाएगा काम। बट यहाँ से देखो डेयरी प्रोडक्ट में आता है, डेयरी प्रोडक्ट योगर्ट का थोड़ा सा पढ़ के रखना। देखो इनके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं उसको याद करके रखना, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा ना बैक्टीरिया का हिसाब होता है। देखो योगर्ट में लैक्टोबैसिलस दिया गया है, ये सब याद करके रखोगे तो हो जाएगा आप लोग का।
अब यहाँ प्रोबायोटिक्स दिया गया, प्रोबायोटिक्स के अंदर इतना सारा, प्रोबायोटिक का शॉर्ट नोट याद करना, क्या चीज़ होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम याद, ये सब कर लेना, इधर ही दिया गया है, बस आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर से देखो ए वाला थोड़ा सा याद करके रख लेना, ए वाला जितना बता रहा हूँ उतना वो चीज़ अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये प्रैक्टिस देखने के बाद तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो ए बॉक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं, इनके यूजेस पूछा जाता है, इसे लिख के थोड़ा सा पूछा जा सकता है। यहाँ पे रोल दिया गया है, ये याद है, थोड़ा डायग्राम देख के जाना बायोफ्यूल का। जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके जाना। देखो क्वेश्चन में पहला कर लो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया, इसमें से क्या क्या किया जाए। देखो सबसे पहले आप लोग को इसमें से करना रहेगा क्वेश्चन नंबर, जो भी एक्टिविटी बेसिस है उसको तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें से बायोफ्यूल वाला पहला करके रखो, माइक्रोबियल प्रोसेस। उसके बाद आप लोग को यहाँ से करके रखना है ए वाला, ये करके रखो। उसके बाद आप लोग को और कौन सा करना चाहिए, हाउ टू स्पॉइल द रिवर ऑफ द क्लेनर्ड, एक ए, ए बी सी। उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाते तो यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग वाला, ये वाला अच्छी तरीके से करके रख लेना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर छठवां, क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर चौथा अच्छी तरीके से करके रखना, और यहाँ से ए वाला क्वेश्चन, माइक्रोबियल एंजाइम इंस्टेड आदिस केमिकल क्रिस्टल आदिस केमिकल इंडस्ट्रीज, ये करके रखो, और एक क्वेश्चन यूज ऑफ द ए वाला दोनों, ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखो, बस आप लोग का ए भी चैप्टर इसलिए क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है आठवां, इसमें से देखो बेनिफिट्स आप लोग को याद करके रखना रहेगा, क्या एकदम छोटा छोटा बेनिफिट्स क्या हैं उसको याद करके रखो, और यहाँ से माइक्रोबियल कंपोस्ट आदि प्रोडक्शन, कंपोस्ट मतलब क्या होता है खाद, इसको याद करके रखो। यहाँ पर एक दिया गया ए वाला डी, ए बी डी अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, क्योंकि ये सब बहुत बार क्वेश्चन आए, इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा मोस्ट रिपीटेड जो भी क्वेश्चन वो सब बता दे रहा हूँ। अब आठवां लेसन में से क्या किया जाए, देखो आठवें लेसन में से सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिया गया यहाँ पर वी से बायोलॉजी बोलो या तो भैया यहाँ पे, इतना आप लोग को अच्छे तरीके से करके रखना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग स्टेम सेल, स्टेम सेल भी आप लोग को पेपर में पूछा जाता है, ये अपने आ जाते कहाँ पर, उससे यूज ऑफ द स्टेम सेल पेपर में बहुत बार पूछा गया, याद रखना यूज ऑफ द स्टेम सेल। और आगे आ जाते हैं, और आगे यहाँ पर देखो बेनिफिट से याद करना, बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट से चार पॉइंट दिया, तीन पॉइंट याद कर लेना। और आगे आ जाते हैं हम लोग क्या करना है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसे तीन चार रिवॉल्यूशन दिया गया है, तीनों चारों अच्छी तरीके से करना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छी तरीके से करके रखना है, उसके बाद यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन, तीनों चारों अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से एपिकल्चर आता है, एपिकल्चर के सिर्फ सिंपल तरीका क्या होता है कैसे होता है वो सिर्फ याद करके,
उसके बाद क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज से करना है, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट करेक्ट आफ्टर करेक्शन, मतलब उसको सही करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंस ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखना, बाकी बी वाला स्टार मार्का दे रहा हूँ, वेरी वेरी आई एम पी है। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवें में से आप लोग को करना क्या चाहिए देखो, इसमें भी ऑनवर्ड से भी लिख सकते हो, देखो ये वाला वैक्सीनेशन, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को करना क्या चाहिए ए वाला, विच अदर प्रिकॉशन विल बी द टेक अदर ड्यूरिंग दिस स्प्रेडिंग पेस्टिसाइड से दिया गया, इसको आप लोग को करके रखो। ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखो और पहला एक करके रखो बस। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया छठवां, वेरी वेरी आई एम पी है। क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर आठवां, ये सब अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। आ जाता है नवा लेसन, सोशल हेल्थ सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि ए ऑनवर्ड से भी लिख सकते हो पूरा बना के। तो बता ही देता हूँ आप लोग को, देखो इसमें से ये चीज़ अच्छी तरीके से आपको करके रखना है क्योंकि ये आप लोग को पूरा फैक्टर इफेक्ट सोशल हेल्थ अगर याद है, सोसाइटी सेफ्टी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एजुकेशन है जॉब अपॉर्चुनिटी प्लेग्राउंड ये सब हमको चाहिए, ये हमारे क्या है इफेक्ट अपने प्रभाव पड़ते हैं इस चीज़ के, तो इसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ मेंटल स्ट्रेस क्या है, ये तनाव पे शॉर्ट नोट एडिकेशन हो गया ये सब, ये दोनों डायग्राम के बेसिस आता है क्वेश्चन। ए है आज का, ए है पहले का, पहले के डेट में क्या था, माँ बाप जो रहते थे वो भेजते थे बाहर जा बेटा खेल, वो खींचते थे बाहर से। ए देखो ए है पहले का, ए है आज का, नाउ ये देखो ए पहले के डेट में क्या था कि बाहर से खींचते थे बेटा अंदर चल एक घंटा पढ़ ले खेल मत, बट आज के डेट में बच्चा यहाँ पढ़ नहीं रहा मोबाइल चला रहा है, तो ये चीज़ यहाँ बच्चे को बाहर भेजा जा रहा है यहाँ पर खींचा जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंट बिटवीन आ सकता है आप लोगों को, सिंपल सा सिचुएशन क्या है। और देखो ये सब डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या नाम है वो चीज़, साइबर क्राइम याद करके रखना, साइबर क्राइम चार पांच पॉइंट है उसको बस ऑनवर्ड में भी लिख सकते हो, पहले बता रहा हूँ ये सब ऑनवर्ड। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये चीज़ एक साल आया था, अभी दो साल हो गया, ये लाफ्टर क्लब नाम पूछा था, सिर्फ ये डायग्राम बनाया था, स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है, सलाम मुंबई फाउंडेशन अच्छी तरीके से आपको करके रखना रहेगा याद रखना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो मैं तो बोलूँगा फटाफट इसको सब करके रखना क्योंकि ये सब बहुत ही इजी है, एक बार बस पढ़िए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये वाला करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा करना है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो गिव रीजन में सब कर लो, अब बोलोगे सब हो जाएगा सर क्या, बहुत ईजी है बस एक बार माइंड सेट अच्छी तरीके से हो गया ना तो हो जाएगा, क्योंकि हैबिज देखो यहाँ पर हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब क्या अपने अंदर आदत रहना चाहिए कि उसका स्ट्रेस तनाव कम करने का। यहाँ पर देखो फिजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू दिस एक्सेसिव यूज द मोबाइल फोन, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं मोबाइल फोन यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। अब देखो वाई वॉट आर ए क्वेश्चन पहला करके रखो, एक सी वाला करके रखो, देखो ये सब आप लोगों को बहुत इजी है क्वेश्चंस, ये हो गया देखो यहाँ पर ए वाला हो गया, ए वाला हो गया और कहाँ गया योर फेस अराउंड योर, ए हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इजी है चैप्टर, ऑनवर्ड से भी लिख सकते हो ये सब। अब लास्ट जो चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें भी टाइप देखो सबसे पहले ऊपर से व्हाट इज़ द डिजास्टर, डिजास्टर का डिफिनेशन याद कर रखो, उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका क्या टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर, और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता, मॉर्क डील क्या है, और फर्स्ट एड इमरजेंसी एक्शन, ये सब भी पॉइंट बस आप लोग ये पॉइंट को कवर कर लिए बात खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चल लेते हैं, डिजास्टर देखो यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द डिजास्टर, तो यहाँ से यहाँ पर है और लोग सिंपल से इसको एग्जांपल बता सकते हो यहाँ तक, और लोग काम खत्म हो जाएगा।
अब उसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन 8 टाइसेदर डिजास्टर। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंस एज है, टॉपिक है इसमें से, इसके टाइस आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद रखना पूरे टाइस प्लस इसके क्या क्या है, इसको एक्टिविटी के माध्यम से इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर याद करके रख लेना। यहाँ पर डिजास्टर क्या चीज है पूरा अच्छे तरीके से इसे पूरा एक लाइन से क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ दिस स्कोप डिजास्टर, प्री डिजास्टर फेस, ये सब थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, आप लोग का खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, प्री, अब देखो प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर, प्री मतलब उससे पहले, पोस्ट मतलब उसके बाद डिजास्टर क्या कर सकते हो, 5 पॉइंट दिया है इजीली कर। और मेन एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ये दिया गया, कैसे किया जा सकता है उसको फिर से दोबारा रिस्टोर कैसे किया जा सकता है अच्छी तरीके से। अब ए वाला, ए स्ट्रक्चर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ए पढ़ के रखना, ए जो है याद कर लेना, जो जो बता रहा हूँ पेपर में इसी के अंदर से आप लोग देखने के लिए मिलेगा, पहले बता के रख दे रहा हूँ। ए फर्स्ट एड वाला जितना बता दे रहा हूँ उतना अगर करके गए, देखो 100% 40 आउट ऑफ 40 साल ला सकते हो आप लोगों को। यहाँ पर क्या किड्स रहना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, मॉर्क डील अच्छी तरीके से, ऑब्जेक्टिव मॉर्क डील यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पहला करो, क्वेश्चन नंबर चौथे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखो, डिजास्टर अथॉरिटी नेचुरल ये सब बहुत ईजी है, मैं पहले से बता के रख रहा हूँ, ये सब करके ही जाना, एकदम ईजी है। देखो अब इसमें विच डिफरेंट मैथड है, यूज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, किस तरीके से लेकर जा सकते हो, क्या तुम्हारा रोल रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर और इनिशियल ट्रांसिंग ऑफ द फर्स्ट एड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सब करके रखो। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर सातवां करके रखो अच्छी तरीके, टाइस डिजास्टर आठवां, और उसके बाद यहाँ पर आठवें के बाद आप लोग को सिंपल सा यहाँ पर मॉर्क डेल इफेक्ट आप करना है अच्छी तरीके डिजास्टर मैनेजमेंट, और यहाँ से दसवां, और ये पिक्चर देख के अच्छी तरीके से उसका नाम बताना है क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोग का दसों जो लेसन था वो चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, और साइंस वन का अगर नहीं देखा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा साइंस वन का, उसको जाके देखो, क्योंकि उसमें भी 57 मिनट में पूरा साइंस आप लोग का कंप्लीट कर दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, क्योंकि और आप लोग अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अभी भी कुछ नहीं हुआ तो उनका भी हेल्प हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।